आज आप लोग सोच रहे होंगे आज मैं कौन सा टॉपिक लेके आ गई हूँ। तो आज मैं बिंदी के बारे में बात करूंगी कि हमें किस तरीके से, किस कपड़े पे, कहाँ कहाँ किस तरीके से बिंदी का यूज करना। जी हाँ, आज मैं लेके आ गई हूँ एक नया टॉपिक, बिंदी का टॉपिक। तो हाँ, बिंदी हम हर सुहागनों के लिए लगाना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, क्योंकि ये हमारे पूरे मेकअप को एक बहुत ही अच्छा सा लुक दे देती है। तो बिंदी हर कोई लगाता है, हर किसी को पसंद होगी। तो चलो आज हम इस बिंदी पे बात कर लेते हैं सीधे सीधे। तो हमें कैसी बिंदी लगानी चाहिए, कौन से फेस पे कैसी बिंदी लगानी चाहिए, इसके बारे में हम पहले हमारा फेस बहुत ही ज़्यादा पतला है, छोटा है, और उस फेस पे किस तरीके की बिंदी लगानी चाहिए, तो हमेशा उस तरीके पे थोड़ी सी इस टाइप से बिंदी लगानी चाहिए, थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगानी चाहिए अगर हमारा फेस छोटा है। अगर हमारा फेस छोटा सा है तो हमें इस टाइप से बिंदी लगानी चाहिए, यानी हमें 4 से 6 नंबर की बिंदी लगानी चाहिए अगर हमारा फेस छोटा है तो। क्योंकि जब छोटा फेस होता है ना, उसको मेकअप को निखारने के लिए बिंदी थोड़ी सी बड़ी लगानी पड़ती है, यानी जो हमारे 6 नंबर तक बिंदी आती है ना, तो 4 या 3 से लेके 6 नंबर तक आप जो बिंदी आती है वो आप लगा सकते हो आप छोटे फेस वाले। और जो गोल फेस के होते हैं तो उनके लिए कैसी बिंदी होनी चाहिए, जो गोल फेस के होते हैं जिनका थोड़ा सा मतलब मोटा सा फेस होता है, तो उन्हें इस टाइप से बिंदियां लगानी चाहिए। थोड़ी सी छोटी छोटी सी बिंदी जो होती है ना, ये वाली बिंदियां थोड़ा सा हमारा जो फेस होता है ना उसको थोड़ा छोटा भी दिखाते हैं, थोड़ा छोटा दिखाते हैं, थोड़ा सुंदर दिखाते हैं, और हमारे मेकअप को भी थोड़ा उभार देते हैं। जो हमारा फेस होता है उस पर आप देख सकते हो कि मैंने भी एक छोटी सी ही बिंदी लगाई है, क्योंकि मेरा फेस भी थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने छोटी सी ही बिंदी मैं लगाती हूँ ताकि मेरे मेकअप को थोड़ा सा उभार के दिखाए। अगर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, मोटा है, एकदम आलू के पराठे के जैसे है, तो आप बिल्कुल गंगूबाई वाली बिंदी बिल्कुल भी मत लगाइएगा। क्योंकि जैसे अगर गंगूबाई वाला बिंदी इतना बड़ा, हम इतना बड़ी बिंदी लगाएंगे, तो सबसे पहले जो हमसे मिलेगा ना, उसका मतलब सबसे पहले हमारे फेस पे उसका माइंड जाएगा, हमारी सबसे पहले बिंदी पे माइंड उसका जाएगा कि अरे बापरे इतनी बड़ी बिंदी लगा रखी है। तो इतनी मतलब इतनी बड़ी सी बिंदी नहीं अच्छी लगती है। आपको हमेशा मतलब छोटे फेस पे थोड़ी सी बड़ी बिंदी चल जाती है, लेकिन बड़े फेस पे कभी भी गलती से आप बड़ी बिंदी मत लगाइए, क्योंकि उससे एक तो आपकी एज बहुत ज़्यादा लगने लगती है। बड़े अगर मोटे फेस पे थोड़ी सी आप बड़ी बिंदी लगाएंगे तो एक तो आपकी एज बहुत ज़्यादा बड़ी लगने लगती है, और आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा मतलब उसके साथ में मिक्स एंड मैच नहीं होता है, तो मेकअप भी उस अच्छा नहीं दिखता है। तो ये वाली गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा। और अगर आपका फेस छोटा है, पतला है, सुंदर सा है, तो आप किसी भी तरीके की बिंदी लगा सकते हो, यानी थोड़ी सी छोटी लगाने से बचो, क्योंकि छोटे फेस पे छोटी सी बिंदी लगाओगे तो आप अपनी एज से बहुत ही ज़्यादा छोटे दिखोगे, और आपका जो एक लुक होता ना वो आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो बड़े फेस पे हमेशा बड़ी थोड़ी सी बिंदी नहीं लगानी चाहिए। जो बड़े फेस वाले हैं उनके लिए जो बिंदी होती है वो इस साइज की बिंदी होती है, इस साइज की। अगर आप तिलक भी लगा रहे हो ना, तिलक में भी अगर बिंदियां लगाना पसंद करते हो, तो आप इस साइज की बिंदी लगाइए जो आपके फेस को बहुत ही ज़्यादा सुंदर और ब्यूटीफुल आपको दिखाएंगी, और आपकी एज भी ज़्यादा नहीं दिखने देंगी। क्योंकि हमारे फेस पे मेकअप का हर रोल होता है। अगर हम फेस पे मेकअप बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर कर लेते तो अलग ही लुक दिखता है, थोड़ा सा कम करते हैं तो अलग लुक दिखता है। ऐसे ही हमारी बिंदियों का भी होता है। अगर हम बिंदी बड़ी लगाते हैं, बड़े फेस पे बड़ी बिंदी यानी बड़ी उम्र को बता देना, और हमेशा छोटे फेस पे छोटी बिंदी लगानी यानी उम्र से भी छोटा बताना, तो ये है ना गलत बात। तो छोटे फेस पे हल्की सी बड़ी बिंदी लगाएं और बड़े फेस पे हल्की सी छोटी बिंदी लगाएं, तो ये होता है कॉम्बिनेशन। हमेशा हर चीज़ का एक कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही बिंदी का एक कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके से आप बिंदी लगाओगे ना तो आपको बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। और दूसरी बात आती है, अगर हम कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो हमेशा बिंदी को सोच समझ के लगाना चाहिए। अगर आप साड़ी खूब भारी भरकम चमक धमक वाली पहने हो ना, तो बिंदी हमेशा सादा ही होनी चाहिए। अगर आपने साड़ी बहुत ही ज़्यादा चमक धमक में पहनी है तो बिंदी हमेशा सादा होनी चाहिए, ताकि आपके माथे पे
आपके मेकअप के साथ में मैच कर जाए। अगर आप शादियों में जा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो और सिर्फ चले आ रहे हो, फोटो आपको क्लिक नहीं कराना है, तो आप मतलब कैसी भी बिंदी लगा सकते हो, यानी कोई भी डिजाइनर बिंदियां आप लगा सकते हो। और अगर आपको कहीं फोटो खिंचवानी है तो आप ऐसी डिजाइनर बिंदियां बिल्कुल भी ना लगाएं जो बिल्कुल फेस पे चमक मार देती हो। ऐसी बिंदी का यूज बिल्कुल भी मत करो जो बिंदी लगाओ और फोटोग्राफर अपना कैमरा लेके सामने आए तो उसके कैमरे की जो लाइट हो ना वो आपकी बिंदी को एकदम चमका दे और आपका फोटो ऐसा आए जैसे आपने बिंदी ही ना लगाई हो। यानी आपका जो फेस है वो थोड़ा सा तो बुरा फोटो आएगा ना फिर, क्योंकि जब बिंदी का लुक ही नहीं दिखेगा और बिंदी का कोई कलर ही नहीं दिखेगा तो बिल्कुल ही बुरा लगेगा। तो ऐसी बिंदी आप बिल्कुल भी ना लगाएं जहां आपको फोटो खिंचवानी हो, तो हमेशा ये स्टोन वाली बिंदियां बिल्कुल भी यूज ना करें। तो अब ये तो हो गई फोटो खिंचवाने वाली बात। अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप बिंदी लगाना पसंद करते हो, आपने सूट डाला है, आप चाहती हो कि हम भी थोड़ा सा अच्छा लगे, अच्छे लुक में लगे, तो एक स्टोन में इस तरीके से बिंदियां आती हैं। ये जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए है, ये इस तरीके से स्टोन की जो बिंदियां आती ना, ये लगाने से फेस पे एक लुक भी आ जाता है और आपका जो शादीशुदा वाला लुक है ना वो भी बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आपने बिंदी लगा ली तो आप शादीशुदा वाले लुक में आ गए। तो आप इस तरीके से एक स्टोन वाला पत्ता अपने पर्स में ज़रूर रखें और हमेशा शादी पार्टियों की सीज़न में इसका यूज हमेशा करते रहें। तो ये वाली बिंदी ना हमेशा जिनकी शादियाँ नहीं हुई हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिंदी लगाओ, लुक को इन्हेंस करो और सब तरफ चमकते धमकते घूमते रहो, तो है ना ये बहुत ही अच्छी बात। और बिंदियाँ कितने प्रकार की आती, तो बिंदियाँ तो सबको पता है कितने प्रकार की आती, तिलक में, अंडेकार में, गोल में, है ना, यही तीन ही प्रकार की, या चौकोर में, ये चार प्रकार की ही बिंदियां आती हैं। जिसको जैसा पसंद हो वो वैसा लगाता है, लेकिन हमेशा बिंदी लगाते समय अपने फेस को ध्यान रख के ही बिंदी खरीदना चाहिए कि हमारा फेस किस तरीके का है, हमारे ऊपर बिंदी किस तरीके की अच्छी लगेगी। तो कुछ ऐसे हम लोग डेली यूज के लिए कुछ इस तरीके से कैटलॉग खरीद लेते हैं जिसमें हर साइज हर कलर में बिंदियां मिल जाती, तो ये डेली यूज वाली बिंदियां हैं। डेली यूज में हमें हमेशा अलग बिंदी रखनी चाहिए ताकि इसमें कलर की भी मिल जाती है और इसमें हमारे रेड और मैरून कलर में भी मिल जाती, तो हमें सारी बिंदियों के पैकेट को खोजना नहीं पड़ता है और आसानी से हमारी बिंदी निकल के हमारे हाथ में आ जाती है। तो ये तो हो गया डेली वाला, हमने बाहर पार्टी वाला भी आपके साथ में शेयर कर दिया, फोटो खिंचाने वाला भी शेयर कर दिया और आपको किस तरीके से किस तरीके के फेस पे बिंदी लगानी है वो भी आपके साथ में शेयर कर लिया। अगर ये वीडियो आपके लिए जरा से भी हेल्पफुल लगी हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, मेरा आइडिया पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ में। और हमेशा सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे ना तभी मेरी आने वाली वीडियो आपके तक पहले पहुंचेगी। तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड और मिलते हैं एक नए आइडिया के साथ में।